हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द फरहीन शेख। अगर आप यहाँ नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपायरी चीज़ें आप कैसे यूज़ करें, या फिर वैसे प्रोडक्ट जो कि आपके काम नहीं आ रहे हैं, जो आपको सूट नहीं कर रहा आपके स्किन अकॉर्डिंग, वैसी चीज़ों को कैसे यूज़ करें। हमारे घर पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आए दिन एक्सपायर कर जाती है, या फिर आप बिना कुछ अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से सिर्फ चाहे तो टीवी पर एड देखकर या समटाइम्स इन्फ्लुएंसर को देखकर, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि अपने स्किन अकॉर्डिंग के हिसाब से नहीं, अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से नहीं, बल्कि वो जो कहते हैं वैसा वो सुनकर मंगा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए वेस्टेज हो जाती हैं, तो वैसी चीज़ों को कैसे यूज़ करें। तो इनमें जैसे हो गया फाउंडेशन, या फिर लिक्विड इल्यूमिनेटर, या फेस वॉश और टोनर, ऐसी सारी चीज़ें जो एक्सपायर कर गई या जो आपको सूट नहीं कर रहा है, या लिपस्टिक जैसी चीज़ें, तो उसे कैसे यूज़ कीजिए, इस वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। एक्सपायरी फ्रेगरेंस, डियो और परफ्यूम को कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आप जो कमरे में रखे हुए फूल होते हैं ना, फ्लावर वेस, उसमें स्प्रे कर दीजिए, या फिर अगर आप ओरिजिनल फ्लावर यूज़ करते हैं तो उसमें स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी फ्रेशनेस बनी होती है, रूम में पूरा खुशबू बना होता है, बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है। और आप कर्टन्स के बीच में भी इस तरीके से रूम के फ्रेशनेस के लिए स्प्रे कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सपायरी जो आपका डियो है और परफ्यूम है आप यूज़ कर सकते हैं। और अब सेकंड नंबर पे आता है फेस वॉश। वैसा फेस वॉश जो आपको सूट नहीं करता, जो सूटेबल नहीं है, एक्सपायरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको सूट नहीं करता, आपके फेस पर पिंपल आ जाते हैं, तो उसे आप एज अ बॉडी शावर जेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। लोफा में लीजिए और शावर जेल की तरह इसे यूज़ कर लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरीके से आपका यूज़ भी हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, और आपके जो पैसे लगे होते हैं ना प्रोडक्ट में, वो भी बच जाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि जो भी मुझे सूट नहीं करता ना फेस वॉश, मैं उसे इस तरीके से बॉडी वॉश की तरह यूज़ कर लेती हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अब आता है मॉइस्चराइज़र। ये मैंने न्यूट्रीजीना का मंगवाया था, बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं करा, तो इससे मैं जो है एज अ बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। काफ़ी कॉस्टली आ गया था और एक्सपायर भी में भी काफ़ी टाइम था, तो मैं फेंक भी तो नहीं सकती थी, काफ़ी पैसे लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने एज अ बॉडी लोशन इसे यूज़ कर लिया। आप हाथों और पैरों पर अप्लाई कीजिए, बिल्कुल नमी बनी होती है, बहुत ही अच्छा ये हैक है इस तरीके से यूज़ करने से। और अब जो आता है वो ये है फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन एक्सपायर कर जाता है तो आप उसे लिक्विड एलिमिनेटर के साथ मिक्स करके और बॉडी शिमर, बॉडी फाउंडेशन की तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा एक शाइन आ जाता है। अगर आप जो है थोड़ा सा ओपन टाइप का पहनती हैं मैक्सी ड्रेस, तो आप लेग्स पर अपने अप्लाई कीजिए, शोल्डर पर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छा लुक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से शाइन कर रहा है, हल्का सा जब बच जाए ना तो आप नेल्स पर भी अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। अब जो चीज़ आती है वो ये है गुलाब जल, जो हमदर्द का है, रोज़ वाटर। तो इसे हमने एक्सपायर अगर कर गया तो फेंकना नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है, ये मैंने फेब मंथ में लिया था तो मुझे बहुत ही जल्दी फेंकने में अफसोस लगा। तो एक्सपायरी गुलाब जल को आपने यूज़ ऐसे करना है कि एक बकेट पानी जब आप नहा रहे हो तो उसमें एक से दो कैप ऐड कर दीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और ना बहुत ही खुशबूदार सा फील होगा आपको, बहुत ही अच्छा सा फ्रेशनेस फील होगा। तो आप गुलाब जल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कपड़े वॉश कर रही हो तो उसमें भी थोड़ा सा लास्ट पानी में ऐड कर दीजिए, उससे काफ़ी खुशबूदार आपका कपड़ा बना रहेगा। या फिर आप जो है पेडिक्योर और मेनिक्योर में भी इसे एक कैप ऐड करके यूज़ कर सकती हैं। फेंकना नहीं है, बस यूज़ करना है, बहुत ही बेस्ट होता है, कुछ भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने खुद यूज़ किया हुआ, आप देखिए कितना ज़्यादा मैंने जो है यूज़ कर लिया, सिर्फ इतना सा बचा है हमारा, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ ना डेट्स होते हैं किसी चीज़ के जो मेंशन करना होता है, तो उसको आप फेस पर यूज़ मत कीजिए, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, तो इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। और अब जो चीज़ आती है वो ये है टोनर प्लम का, आप देखिए कैमोमिल एंड वाइट टी, मैं यही टोनर यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़रा सा इतना सा होगा। लेकिन हुआ क्या ना कि ये देखिए एक मंथ पहले नवंबर में, अभी तो जनवरी 2023 आ गया है, तो ये 22 में एक्सपायर कर गया 11वें महीने में, और ये थोड़ा कॉस्टली भी है, 390 रुपये यानी 400 रुपये का टोनर है, तो मुझे फेंकने में बड़ा अफसोस लगता है चीज़ों को। तो मैंने जो है इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ अभी, जब भी मैं, अभी ठंड का मौसम है, विंटर चल रहा है, तो जब भी पेडिक्योर करती हूँ ना घर पे, तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पैरों की क्लीनिंग भी बढ़िया हो जाती है और फिर आपकी चीज़ें भी यूज़ हो जाती है, और वेस्टेज होने से ना चीज़ें बच जाती है। तो आप इस तरीके से टोनर को यूज़ कर सकते हैं।
टोनर को यूज़ करने का एक और तरीका है कि जब भी आपके नेल्स ना थोड़े पीले पड़ जाएं तो आपने क्या करना है ना कि टोनर को, जो एक्सपायरी टोनर है जैसे इस तरह का टोनर, उसको बस किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा डाल लीजिए और नेल को डिप कर लीजिए 5 मिनट तक लिए, उसके बाद कॉटन से साफ़ कर लीजिए, ये क्लीन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपायरी है या नहीं है, वर्क वही करता है। होप मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम फिर से ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।